टीएस सिंधी जी, आदरणीय रवि चौबे जी, अग्नि महेशी डेहरिया जी, कवासी लखमा जी, जय सिंह जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, अनिल अगड़िया जी, गुरु रुद्र कुमार जी, भाई अमरजीत जी, भाई मोहन मरकान जी, दीपक भाई जी, बड़े भैया धनेन्द्र साहू जी, बड़े भैया सत्यनारायण शर्मा जी, भाई प्रमोद जी, सब हमारे विधायक साथी मन, देवती कर्मा जी, डॉक्टर प्रीतम राम जी, राजवाड़े जी, विकास जी, भाई राजेश तिवारी जी, प्रदीप शर्मा जी, गुरमुख भैया, जुनेजा जी, गिरीश जी, धनेश पटला जी, सबो रमेश भैया, अजय साहू, महेंद्र साबड़ा, शर्मा जी, सब बैठे हैं, मलकीत वगैरह मन बिया है, और आज नवा विधायक आए नहीं आएगा, खड़ा हो जाओ भाई, कहाँ है? अच्छा वही है, अभी फोटो खिंचवा थे कि राजमन बेंजाम आज शपथ ली से, कल रिजल्ट ही से, और आज आदरणीय अध्यक्ष जी वो शपथ दिलाई से, अब फोटो वोटो खिंचवा तो हम विजिटिंग कार्ड वगैरह सब बनाना है, बोला कैसे वहां रुक गए। हमारे चीफ सेक्रेटरी सुनील कुजीर जी, ACS फाइनेंस, ACS खेतान साहब, मंडा साहब नहीं आए का? मंडा साहब नहीं आए, अच्छा, खेतान साहब और डीजी, और एक जन और डीजी कहाँ आएगा, सिंह साहब, सब अधिकारी मन, PWD के सब अधिकारी मन, आज राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रिमंडल के निवास, विधानसभा अध्यक्ष के निवास के आज भूमि पूजन हुई, और मैं आप सब उपस्थित हो, आप सब मैं सादर अभिवादन कर रहा हूं, उपस्थित सब साथी मन और पत्रकार संगवारी मन। नए राजधानी के शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथों से सन 2001 में किए गए से बहुत विस्तार पेश, बहुत अकन बिल्डिंग मन बन गए, बहुत अकन और सब गतिविधि मन संचालित हुई, सड़क बने, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शहर नहीं बस पाए, हजारों करोड़ रुपया यहां लग गए है, लेकिन सब मंत्री मन रायपुर शहर में रही थे, ओकर कारण से ट्रैफिक भी जाम होते, आओगा उनके भी असुविधा होते। नया रायपुर में हजारों करोड़ लगाए के बाद भी एकर कोई उपयोग नहीं होते, ये बात ला ध्यान में रखते हुए बहुत हमन विचार विमर्श करें कि ये शहर कैसे बसी, करके देश के बहुत अकन ऐसे राजधानी जो नवा बने हैं वो राजधानी मन अभी तक ठीक से बस नहीं पाए, जिन राज्य मन बने 50 साल हो गए, लेकिन उनका राजधानी मन अभी भी ठीक से उकर बन नहीं पाए, यूं भी हजारों करोड़ लगे के बाद भी बिल्डिंग तो बन गए, सड़क भी बन गए, पानी की व्यवस्था हो गई, लाइट भी लग गए, आदमी भर नहीं रहा है, तो अतिक फिर खर्चा करे औचित्य का, हमार बड़े जिम्मेदारी है इसे कि ये कैसे ढंग से बसाना, ये हमारे वर्ग एक चिंतन के विषय रही से, और ये ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ही काम करें कि हम जब जाक रहे शुरू करबो तो अधिकारी मन हो रही, अधिकारी मन जब चल रही तो छोटे अधिकारी कर्मचारी मन भी जाए, उकर बाद धीरे धीरे फिर वो मार्केट भी डेवलप हुई, हॉस्पिटल भी डेवलप हुई, सबके आवश्यकता जैसे जैसे शहर की आवश्यकता होते, कॉलोनी की आवश्यकता हो तो के हिसाब से शहर बसत जाते, तो सबसे पहले मैं कहें कि हम ही जाक पहले रहा, तब फिर दूसर से उम्मीद किया जाए, तो ये काम ला पहली करें, हालांकि हम करीब 5-550 करोड़ रुपये लगी, कतको जन पत्रकार में केस रहते पीछे काबर लगा था, मैं कह 6000 करोड़ थोड़े पानी में बुड़न देवे, अब वो लग गए तो वापस तो किए नहीं जा सका,
तो बोल फिर उसका तरीका एक ओकर उपयोग किया जाए, ओकर उपयोग तभी हुई जब हम जाग रहे शुरू करबो। तो ओकर स्थिति ये निर्णय लेगी। आज धनतेरस के दिन एकर शिलान्यास हुई, शुरुआत हुए, एकर बर पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी, निर्माणकर्ता सब जन में बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। अब मैं चरण दास महंत जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा को, कि वे अपने उद्बोधन के लिए बधाई। आज के शुभ मुहूर्त, शुभ तारीख, धनतेरस के दिन नया रायपुर में मुख्यमंत्री निवास, राजभवन, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सदस्य मन के निवास के मुख्य आर्किटेक्ट कहे जाए, जेकर मार्ग निर्देशन ये काम हो जाए, आदरणीय भाई भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, और इस काम के लिए पूरा बल देने वाले भाई ताम्रध्वज साहू जी, जिन्हें दिल से हम सब लोगों को बुलाया, आज इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप दोनों की सराहना करता हूं कि आपके जिस सोच ने हम सबको एक नया आवास देने की व्यवस्था की, मंत्रिमंडल के साथियों को नया आवास देने की व्यवस्था की, और सब मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ में 19 वर्ष हो गए, कितने निर्माण कार्य हुए, कितने का उपयोग हो रहा है, कितना अनुपयोगी है, ये सब जानते हैं। मगर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के गांव से लेके छत्तीसगढ़ के राजधानी तक गढ़े के जो कार्यक्रम है, बोला पूरा मंत्रिमंडल माननीय भूपेश बघेल के निर्देश में पूरा करे बन लगे हैं, और वही उद्देश्य से आज के कार्यक्रम संपन्न हो है। मैं आदरणीय सब मंत्री जी मनला, भाई टीएस बाबा जी, चौबे जी, लकमा जी, दहरिया जी, हमारे अध्यक्ष जी जय सिंह जी, श्रीमती भेड़िया जी, अकबर भाई, ये सब के योगदान जो में लगे हैं, अमरजीत भाई के ओकर बरमल्ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के शुभ तिथि में, शुभ समय में हमारे जितका विधायक यहाँ उपस्थित हैं, जितका अधिकारी उपस्थित हैं, सब बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के शुभ दिन आप सबके लिए शुभ हो, दिवाली मंगलमय हो, आप सबके परिवार के कल्याण हो, मंगलमय जीवन हो, एक बार आप सबला शुभकामनाएं देते हुए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।